सो हे व्हाट इज अप गाइस, तो अरे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रिंस, आप देख रहे हैं प्रिंस गेमिंग ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आज के टाइम में अगर आप लोग ड्रैग हेडशॉट नहीं मार सकते तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बंदे लोग अभी मतलब हर एक बंदे को ड्रैग मारना आना चाहिए, क्योंकि बिना ड्रैग के दूसरा बंदा मतलब आपका जो एनिम है वो आपको 2 सेकेंड में मार के चला जाएगा, लेकिन आप उसको बॉडी डैमेज दे दे के मार भी नहीं पाओगे और वो आपको मार के अपना काम ख़त्म करके चला भी जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो कि है ड्रैग हेडशॉट मारना आना चाहिए। वन टैप की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वन टैप आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है क्लैश स्क्वाड में। तो वन टैप के ऊपर ही मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बट एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एकदम सब कुछ क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अच्छे से ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। तो ड्रैग हेडशॉट मारने का जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा गन है जो मेरे को पसंद है वो है MP5। भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही ओपी तरीके से ड्रैग लगता है। मतलब आप लोग स्क्रीन पे देख पाओगे गेम प्ले, एंड ये मेरा ही गेम प्ले है, मैं नूब बन के खेल रहा था क्योंकि आई एम नूब। तो यहाँ पे देखना भाई साहब क्या ही ओपी वाला ड्रैग लगता है। एंड MP5 का एक खासियत है कि इसका रेंज है, एंड इसके साथ ही थॉमसन से भी बहुत ही अच्छा खासा ड्रैग लगता है। बट थॉमसन का जो कि है रेट ऑफ फायर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा अगर आप लोग नोटिस करोगे तो थोड़ा सा कम है। और MP5 का अगर आप लोगों को वो ढक्कन टाइप का जो उसका लगाते हैं वो अगर मिल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, लास्ट में एक ऐसा टिप्स आप लोगों को मैं दूंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो भाई साहब कुछ भी नहीं समझ पाओगे, तो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहला टिप यही है आपका फ़ोन का सेंसिटिविटी। फ़ोन का सेंसिटिविटी अगर आपका कम डैम का फ़ोन है तो आप लोग जनरल और रेड डॉट इन दोनों को एकदम 100% करके रखना, इससे आपका सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड मैं भी 100 पे ही खेलता हूँ, बाकी 4x 2x इन सभी का कोई काम नहीं, वो सभी स्कोप ओपन करने के बाद आपका सेंसिटिविटी काउंट होता है। बट रेड डॉट और जनरल इन दोनों का 100% पे करके रखना, इससे बहुत ही अच्छा आप लोगों को सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलेगा। एंड टिप नंबर 2 बस यही है कि आपको थोड़ा सा बंदा जिस तरफ है उस तरफ आपको ड्रैग करना है। अगर आपका कम सेंसिटिविटी है तो ज़्यादा ड्रैग करना है, अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो कम ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब आप लोग को अपना जो फायर बटन है राइट फायर बटन उसको उठाना है, मतलब स्क्रीन पे उठाना है ताकि आप लोगों का ड्रैग लगे। एंड उस टाइम पे आपको जो कि है अपना जो जॉयस्टिक है मूवमेंट बटन उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, हिलाओगे तो आप लोगों का जो कि है बंदा थोड़ा मूव होगा एंड इससे क्या होगा आपका ड्रैग नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो आप लोग अगर वन टैप मार रहे हो या फिर ड्रैग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों को अपना जो जॉयस्टिक है मतलब मूवमेंट जो बटन है उसको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, इससे क्या होगा आप लोगों का ड्रैग जो कि अब नहीं लगेगा, मतलब लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर बंदा आपकी तरफ सीधा भाग के आ रहा है तो लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, बट अगर बंदा इधर उधर भाग रहा है तो आप लोगों का जो कि ड्रैग नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का नोटिस हमेशा करना एंड इसका ध्यान भी रखना इस चीज़ का। तो अब बात करते हैं हम लोग जो कि है बंदे को मतलब आपका एम किस जगह पे होना चाहिए ताकि आपका ड्रैग इजीली लगे।
तो अगर बंदा आपके एकदम सामने है तो उसका एम जो कि एकदम आपको छाती से, मतलब जो उसका चेस्ट है चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर रखना है, और बंदा अगर आपसे दूर है तो आपका जो डॉट मतलब रेड डॉट है उसको आपको छाती से अगर थोड़ा सा भी नीचे होगा, मतलब भेस से थोड़ा सा भी नीचे होगा, तो भी आप लोगों को ड्रैग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग डिफ़ॉल्ट पे खेलते हो एंड डिफ़ॉल्ट पे एम जो कि चिपक जाता है, तो आप लोग उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब जो आपका मतलब क्रॉस एयर है, मतलब बीच का जो ये सर्कल है उसको उसके बॉडी से अलग करना है, एंड उसके बाद आपको ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट गोली जो कि उसके सर पे ही लगेगा, एक भी गोली बॉडी पे नहीं लगेगा, एंड इससे बहुत ही इजीली आप लोगों का ड्रैग लगेगा। एंड बंदा अगर आपके सामने है तो उसके बॉडी पे जो कि एम रखना होगा, मतलब चेस्ट पे एकदम ऊपर की तरफ आपका एम जो कि वो रखना होगा, तभी आप लोगों का बहुत ही ईजिली ड्रैग लगेगा। तो गेम प्ले पे थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब देखो क्लैश सॉरी ट्रेनिंग ग्राउंड में बंदे तो मारेंगे, बट यहाँ पे आप लोग का अपना जो कि है, मैं कैसे आप लोगों को ड्रैग मार के दिखा रहा हूँ वो आप लोगों को देखना है, एंड थोड़ा सा अगर आप लोगों को आता है तो बहुत ही बढ़िया, आप लोग अच्छे से सीख पाओगे, एंड जो जिसको भी नहीं आता है वो लोग अच्छे से देखना तो उन लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को ड्रैग मारना है। तो यही था, एंड मेन जो हम लोगों का ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैंने कितने ओपी तरीके से इसको हेड मारा है, वो भी सामने से, तो मेन जो ट्रिक है मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज हमारा जो मेन ट्रिक है, मतलब लास्ट एंड मेन जो ट्रिक है जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे बने हुए हो अभी तक, तो जो मेन ट्रिक है वो है आप लोगों को आपका जो भी आपका फ़ोन हो उसके सेटिंग में आप लोगों को आ जाना है, एंड यहाँ पे ऊपर में ही आप लोगों को सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोगों को बस लिखना है पॉइंटर बस लिख देना, फिर सर्च में दबा देना, तो यहाँ पे पॉइंटर स्पीड करके आ जाएगा। ध्यान से सुनो, पॉइंटर स्पीड आएगा, ये पॉइंटर लोकेशन वगैरह नहीं, बस आप लोगों को पॉइंटर स्पीड पे दबाना है, एंड यहाँ पे आके पॉइंटर स्पीड ये वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों का ऐसा रहेगा, आप लोगों इसको फुल करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आप लोगों का सेंसिटिविटी यार मतलब डीपीआई से ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड ये मैं खुद मतलब यूज़ करके नहीं बता रहा, मैं मेरे 4-5 दोस्तों के फ़ोन में भी ये सेंसिटिविटी कर दिया, मतलब पॉइंटर स्पीड को फुल कर दिया, एंड उन लोगों का भी रिएक्शन मतलब कुछ अजीब हो गया कि भाई साहब ये तो डीपीआई से भी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गया है, एंड इससे ईजिली आप लोग का जो कि हेड वगैरह लगेगा, एंड ड्रैग आप लोग थोड़ा सा करोगे तो आप लोग का बहुत ही ज़्यादा ड्रैग लगेगा। तो जल्दी से पॉइंटर स्पीड को बढ़ा दो, अगर डीपीआई बढ़ा हुआ है तो जल्दी से उसको कम कर दो, क्योंकि इससे आपका फ़ोन जो कि वो प्रॉब्लम होगा, आपका फ़ोन हार्म होगा, बट पॉइंटर स्पीड से आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ़ोन से रिलेटेड। तो जल्दी से डीपीआई को कम करके पॉइंटर स्पीड को एकदम फुल कर दो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आपका सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, हम लोग को 3K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करने हैं, ओनली 80 सब्सक्राइबर्स चाहिए हम लोगों को, सॉरी 80 भी नहीं 70 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो कर दो यार। और 3K सब्सक्राइबर पे होगा आलोक का गिव अवे, तो जिन बंदों को भी आलोक चाहिए या फिर क्रोनो चाहिए या फिर डायमंड्स चाहिए, जो भी चाहिए मैं आप लोगों को गिव अवे में करूँगा, तो इसके लिए आप लोगों को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।